What's up everyone, welcome back to the channel. I am Ayushi Negi and we were doing theory of consumer behavior. In part 1, I have covered marginal utility analysis and we have done with all the concepts related to your cardinal approach. We have also talked about its limitations. And what was it? Iska major limitation kya tha? That it assumes utility is measurable. And because of this limitation, limitation kya tha? Utility is measurable. Because of this assumption, it gave or it developed a new theory. What is that new theory? Indifference curve analysis. Because there were two economists, Hicks and Allen. Hicks and Allen, they were the two economists who said or who critically examined this marginal utility analysis and they said ki ye to possible hai hi nahi. मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो भी उन लोगों ने एक्सप्लेन करा कंज्यूमर बिहेवियर को दैट वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन वॉट यूटिलिटी मेजरेबिलिटी. इन दो इकोनॉमिस्ट ने कहा, कौन कौन से इकोनॉमिस्ट हैं? जे आर हिक्स एंड आर जी डी एलन. These were two British economists जिन्होंने criticize करा marginal utility analysis को because they said कि पूरा जो उन्होंने consumer equilibrium explain करा है that was totally dependent on the measurability of utility. That means कि जो भी चीज़ हम consume कर रहे हैं ये theory तो उसको simply कह रही है कि मैंने 5 bananas अगर consume करे तो मेरे को 10 utils का satisfaction हो. How is it possible? ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल अप्रोच है. दैट्स वाई इन दोनों ने इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस थ्योरी को डेवलप किया. दैट यू कैन से इज द मॉडर्न डिमांड थ्योरी. ये एक मॉडर्न डिमांड थ्योरी है जो एनालिटिकली क्या करती है, एक्सप्लेन करती है कंज्यूमर बिहेवियर को कि कंज्यूमर कैसे अपनी इनकम को एलोकेट करेगा डिफरेंट कमोडिटीज पे इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन. इन दोनों ने क्रिटिसाइज तो करा बट एक्चुअल में जो इनडिफरेंस कर्व को आप बोल सकते हो सबसे पहले जिसने इसका कंसेप्ट दिया था दैट वाज पेरिटो. ही इज एन इटालियन इकोनॉमिस्ट. ठीक है, ये इटालियन इकोनॉमिस्ट थे एंड इन्होंने सबसे पहले पेरिटो ने सबसे पहले इनडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट दिया था लेकिन उस पर फुल्ली जो वर्क किया है वो इन दो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने किया है. एंड दे सेड दैट इंस्टेड ऑफ मेजरिंग योर यूटिलिटी इंस्टेड ऑफ जस्ट उसको जो क्वांटिटेटिव अप्रोच था वी शुड से इट दैट योर यूटिलिटी इज नॉट अ क्वांटिटेटिव अप्रोच बट इट इज क्वालिटेटिव अप्रोच. आप एक एजम्पशन लीजिए, ये है मयंक, ओके, एंड सपोज कीजिए इसकी गर्लफ्रेंड है अंजलि, ओके. नाउ मयंक के पास कुछ इनकम है या सपोज करिए इनकम का कोई अपना एक पार्ट है जो वो एक्सपेंड करना चाह रहा है कमोडिटीज पे. मयंक ने बोला दैट आई विल कंज्यूम बर्गर एंड अगर उसके पास उसके बाद अगर मेरे पास इनकम बचती है या थोड़े बहुत पैसे बचते हैं देन आई विल कंज्यूम आइसक्रीम. ओके, सो मयंक के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल क्या था? बर्गर, जिसको उसने फर्स्ट प्लेस पर रखा और सेकंड पे उसने रखा आइसक्रीम को. ओके, दिस इज फॉर मयंक. बट अंजलि सेड कि नहीं, मेरे को तो आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है और मैं सबसे पहले आइसक्रीम पे एक्सपेंड करूंगी, उसके बाद अगर मेरी इनकम बचती है या मेरा मन करता है देन आई विल गो फॉर बर्गर. सो अंजलि के लिए प्रेफरेंस क्या है? फर्स्ट पे शी हैज केप्ट आइसक्रीम एंड सेकेंड पे शी हैज केप्ट बर्गर. सो यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे सिर्फ वो अपनी प्रेफरेंस ही तो शो कर रहे. सिंपल सॉर्टेड सा कंसेप्ट है इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो हम इसे मॉडर्न इसीलिए बोला गया है क्योंकि हम वर्क ऐसे ही करते हैं. हम कभी भी कोई भी जो कंजम्पशन करते हैं हम पहले यूजफुलनेस हर बार नहीं देखते, हम हर बार अपनी प्रायोरिटी को चेक करते हैं, हम हर बार अपने प्रेफरेंस को चेक करते हैं. दैट मीन्स वॉट वी आर डूइंग, वी आर एक्चुअली चेकिंग स्केल ऑफ आर प्रेफरेंसेज, है ना. हमें जो जो कमोडिटीज़ लेनी है हम उन सबका प्रेफरेंस चेक करते हैं एंड देन वी लुक आर बजट ऑल्सो. हम उसके बाद अपनी इनकम भी देखते हैं एंड वी एक्सपेंड. हमें कोई मतलब नहीं है कि कितना यूटिल्स है कितना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल सॉर्टेड. सो यही हुआ, अगर मयंक के पास इनकम होती वो पहले बर्गर कंज्यूम करता एंड देन ही विल गो फॉर आइसक्रीम. अंजलि के पास होती वो पहले आइसक्रीम करती एंड देन बर्गर. ठीक है,
ये हमने समझा कि इनडिफरेंस कर्व जो है ये एक क्वालिटेटिव अप्रोच है ना कि क्वांटिटेटिव. सो अगर हम इनडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन देखें, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज शोइंग इक्वल और सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर्स. अब इसका मतलब क्या है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दैट मीन्स कर्व है तो ग्राफिकल तो हो गई, लेकिन इस ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका टेबल बनाना पड़ेगा या शेड्यूल बनाना पड़ेगा. सो इसको हम शेड्यूल से समझते हैं. सपोज ये क्या कह रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ कमोडिटीज. अब समझो इसे टेबल से, ये है कॉम्बिनेशंस जो अभी हम यहां बनाएंगे. ओके, ये हम ले लेते हैं बर्गर, जो कमोडिटी आपकी एक्स मान लो, इसे ले लीजिए आइसक्रीम. ओके, एंड इसे ले लीजिए कमोडिटी वाई. अब इससे आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन सपोज करो, ये कॉम्बिनेशन ए है, दिस इज कॉम्बिनेशन बी, दिस इज कॉम्बिनेशन सी एंड दिस इज कॉम्बिनेशन डी. अगर आपने बर्गर को सपोज करो, अभी आप वन ही यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, यूनिट सही, ओके, यू आर कंज्यूमिंग ओनली वन बर्गर. सेकेंड कॉम्बिनेशन में बर्गर की आपने यूनिट इंक्रीज कर दी, थर्ड कॉम्बिनेशन में थ्री एंड लास्ट में इट इज फोर. अभी आप सिंपल ये समझो, जो ये आइसक्रीम का कंजम्पशन है सिंपल समझो, यहाँ पे पता है क्या आएगा, आप इन सबको टोटल कर दो, टोटल करोगे 4, 3, 7, दिस इज 10. नेक्स्ट आपको पता है क्या करना है, इससे सब्ट्रैक्ट दिस, वॉट इज कमिंग 7, वॉट यू आर डूइंग 10 माइनस 3. थर्ड में जाने के लिए 7 माइनस 2, वॉट इज कमिंग 5 इज कमिंग. एंड थर्ड में जाने के लिए सब्ट्रैक्ट 5 माइनस 1, दैट इज 4. इस कॉलम को निकालने के लिए सिंपली आप इसे टोटल कर दो. अभी मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगी कि ये टोटल करके इनका जो 10 आ रहा है, व्हाई वी आर कीपिंग इट हियर एंड व्हाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग, हम ये सब्ट्रैक्ट कर क्यों रहे हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी. देखो ये तो हमने कॉम्बिनेशन बनाया, ये शेड्यूल मैंने बनाया क्यों, इन ऑर्डर टू शो इट ग्राफिकली. अब जरा इसको ग्राफिकली हम ड्रॉ करते हैं. यहां पे ले लेते हैं बर्गर, यहां पे ले लेते हैं आइसक्रीम. ओके, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 4, 6, 8, 10 एंड 12, राइट. नाउ सिंपली अभी कुछ मत समझो, अभी जो ये टेबल बनाया है इसे यहाँ पे आप ग्राफिकली शो कर लो. अभी बर्गर के कितने यूनिट्स हैं, जब बर्गर के 1 यूनिट हैं तो आइसक्रीम कितना है, 10 है, है ना. अब इससे आप एक चीज समझो, मैंने क्या बोला है, यहाँ पे आप कुछ एक्सपेंड करोगे, कुछ इनकम आप एक्सपेंड करोगे, लेट सपोज 500 आप पे है एंड 500 अपने इनकम का पार्ट यू आर एक्सपेंडिंग ऑन दीज टू. अब देखो सिर्फ ये ही दो कमोडिटी है और ये पूरा पैसा आप इन दोनों में एक्सपेंड करने के सोच रहे हो. अगर सिर्फ बर्गर का 1 यूनिट है, दैट मीन्स इस पूरे बर्गर में आप बर्गर सबसे कम परचेज कर रहे हो. जब आप बर्गर सबसे कम परचेज कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा किस पे पैसा खर्च हो रहा है, इसका मतलब आइसक्रीम में हो रहा है और आइसक्रीम का हाईएस्ट क्या है, 10 ही तो है. इसका मतलब जब बर्गर आप 1 ले रहे थे तो आपका आइसक्रीम होनी कितने यूनिट्स चाहिए, 10 ही होनी चाहिए. इसीलिए मैंने इसका पूरा आपको डायरेक्ट एडिशन करा दिया और यहाँ पे बोला इसका हाईएस्ट लिखो, क्योंकि ग्राफ में देखो ना, जब आप एक्सपेंड सिर्फ बर्गर का सबसे कम में कर रहे हो, दैट मीन्स आप सबसे ज़्यादा क्या किस में एक्सपेंडिचर कर रहे हो, आइसक्रीम में, इसके टॉप लेवल में. दैट मीन्स व्हेन बर्गर इज 1, योर 10 यूनिट्स आप किस में एक्सपेंड कर रहे हो, आइसक्रीम में. नाउ आपने अगर बर्गर की यूनिट इंक्रीज करी, इन दैट केस आपको आइसक्रीम का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि पैसे तो उतने ही है ना. अगर आप इसको भी इंक्रीज करोगे, इसको भी इंक्रीज करोगे, तो आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा नहीं हो जाएगा, बजट से बाहर चला जाएगा. इसी वजह से आप अगर इस बर्गर की क्वांटिटी को ज़्यादा इंक्रीज करना चाह रहे हैं, देन आपको इसको रिड्यूस करना पड़ेगा. इसीलिए जब ये 2 था, सो
दिस वॉज 7, ओके, एंड व्हेन इट वॉज 3, इट वॉज 5, ओके, एंड व्हेन इट वॉज 4, तो आपका दूसरा कंजम्पशन भी कितना है, 4 है. अब आप इन सारे डॉट्स को ज्वाइन कर लो, क्या मिल गया आपको, ये आईसी कर्व मिल गया. सो दिस इज योर आईसी कर्व. अभी हमें इसमें बहुत कुछ समझना है कि ये ऐसे स्लोप क्यों कर रहा है, जो भी इसके सारे, बट अभी आप सिर्फ इतना समझो कि हमें दूसरी थ्योरी डेवलप ही क्यों करनी पड़ी. हमें दूसरी थ्योरी इसीलिए डेवलप करनी पड़ी क्योंकि पहली थ्योरी में बहुत सारे लिमिटेशंस थे जो हिक्स और एलन ने क्रिटिसाइज करे, एंड इन ऑर्डर टू एनालाइज द कंज्यूमर बिहेवियर मोर प्रॉपरली, मोर एनालिटिकली, हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को डेवलप करा. हमने नहीं, हिक्स एंड एलन ने डेवलप करा. अब इंडिफरेंस कर्व है क्या, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमने यहाँ पे शो करा, और ये सारे पॉइंट्स जो है ना, दे ऑल आर शोइंग और दे ऑल आर रिप्रेजेंटिंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. अब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि मैम ये सेम लेवल क्यों है. आप एक चीज़ देखो, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन बना ए 10 और 1 का, ये कॉम्बिनेशन बना बी 7 और 2 का, ये कॉम्बिनेशन बना सी 3 और 5 का, ये कॉम्बिनेशन बना डी, है ना, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं. बट आप कैसे कह सकते हो कि मैम ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, बिकॉज ये जो भी चेंजेस आप कर रहे हो अपनी इनकम के साथ, वो तो आपके खुद के हैं ना, आपका खुद का तो डिसीजन है. आपने खुद ने तो सोचा कि यार मैं सिर्फ पहले 1 बर्गर कंज्यूम कर रहा था और 10 आइसक्रीम्स कर रहा था, उससे बेटर तो ये होगा कि मैं 2 बर्गर ले लूँ और थोड़ी कम आइसक्रीम कंज्यूम कर लूँ. ये डिसीजन ले कौन रहा है, कोई और आपको प्रेशराइज कर रहा है, नहीं ना, ये आपके खुद के डिसीजन है ना. सो इसका मतलब ये सब जो आप खुद से डिसाइड कर रहे हो, ये जो भी आपने कॉम्बिनेशन सेट किए, दिस यू हैव डिसाइडेड बाय योरसेल्फ. That is why all these combinations will give you same level of satisfaction. ठीक है, indifference curve का पूरा concept समझ आया. अच्छा, indifference curve को ISO utility curve भी बोलते हैं. ये term समझनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि question में या paper में बहुत बार ऐसा आ सकता है कि explain what is ISO utility curve. So don't confuse, ISO utility is same, what is indifference curve. ठीक है, so indifference curve पढ़ा. अच्छा, ये मैंने जो पूरा tabular form में बना, इसे हम क्या बोलते हैं, schedule. और ये schedule है किसका, indifference का है. So इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, indifference schedule. अगर हम इसकी मदद से graph draw कर पाएँ तो वो क्या बन जाएगा, indifference curve. Indifference curve पढ़ लिया, indifference schedule पढ़ लिया. अब एक और चीज समझते हैं. देखो, एक concept है monotonic preference, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं non satiety. Now what is this monotonic preference या what is this non satiety? देखो, पहले you should understand what is satiety. Satiety means fullness, है ना, किसी भी चीज़ की फुलनेस, या आप हिंदी में बोल सकते हो तृप्ति. व्हेन यू आर सैटिस्फाइड, अब आप संतुष्ट हो, दैट इज व्हाट सैटिएटी इज. बट सैटिएटी के पीछे लग क्या गया यहाँ, नॉन. दैट मीन्स ये एक ऐसी सिचुएशन है व्हेन कंज्यूमर हैज नॉट रीच टू इस मैक्सिमम लेवल, है ना, वो संतुष्ट ही नहीं हुआ है. सो अगर ऐसी, और इसी को हम मोनोटोनिक वो भी बोलते हैं, प्रेफरेंस भी बोलते हैं. सो इससे आप समझिए क्या, इट इज़ दैट सिचुएशन इन विच कंज्यूमर हैज़ नॉट रीच टू इट्स मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. अगर वो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन में रीच ही नहीं करेगा तो वो करेगा क्या, आप खुद सोचो. हमने अपनी प्रीवियस क्लास में ये ग्राफ पढ़ा था, किस चीज़ का ग्राफ था, ये पता होना चाहिए, ये टोटल यूटिलिटी का ग्राफ था. तो टोटल यूटिलिटी में आप समझे क्या थे, ये क्या शो कर रहा है, दिस इज शोइंग इट्स सैचुरेशन पॉइंट, है ना, ये इसका मैक्सिमम लेवल शो कर रहा है, एम आई राइट. अब देखो, जब तक कंज्यूमर मैक्सिमम लेवल में नहीं पहुंचा था, टिल दैट पॉइंट कंज्यूमर इज इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग. व्हाट इज इंक्रीजिंग, ही इज इंक्रीजिंग हिज कंजम्पशन. वो अपना कंजम्पशन इंक्रीज करता जा रहा था. व्हाई, बिकॉज ही इज रैशनल. हमने अजम्पशन पढ़ा है कि कंज्यूमर इज रैशनल, ही ऑलवेज थॉट एंड एक्ट. वो बहुत ही वाइजली सोचेगा और तब तक कंज्यूम करता जाएगा जब तक कि वो अपने मैक्सिमम स्टेज में ना पहुंच जाए. जैसे ही वो मैक्सिमम स्टेज में पहुंचा, दैट मीन्स नाउ ही इज फुली सैटिस्फाइड.
अब जब ये फुली सेटिस्फाइड है, इससे बियॉन्ड अगर एक भी यूनिट का कंजम्पशन और करता है, होगा क्या? हिज यूटिलिटी विल फॉल, है ना? ये हमने इसमें पढ़ा था. बट मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या बोल रहा है कि कंज्यूमर अभी अपने मैक्सिमम लेवल में पहुंचा ही नहीं है, वो यहाँ रीच आउट ही नहीं कर रहा है. सो होगा क्या? कंज्यूमर विल प्रेफर अ लार्जर अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी एवरी टाइम. अब कंज्यूमर जब मैक्सिमम में पहुंचा ही नहीं है, तो कंज्यूमर प्रेफर क्या करेगा? कंज्यूमर प्रेफर करेगा कि वो हर कमोडिटी का लार्जर 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 यूनिट्स कंज्यूम करे. ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू ग्रैब मोर. क्यों? क्योंकि वो अभी यहाँ पहुँचा ही नहीं है, और अगर वो यहाँ पहुँच जाएगा तो उसके बियॉन्ड क्या हो जाएगा? यूटिलिटी फॉल हो जाएगी. इसीलिए हमारे पास कहाँ लिखना चाहिए, चलो यहाँ लिखते हैं, क्योंकि ना आप देखो दो दो चीज़ें पैरेलली रन करेगी. अच्छा, जो ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस है ना, ये पता है क्या है? ये अपने आप में तो एक टर्म है, लेकिन ये पता है क्या है? दिस इज़ वन ऑफ द अजम्पशंस ऑफ योर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. मैंने क्या बताया था? कोई भी एनालिसिस, कोई भी थ्योरी विदाउट अजम्पशन इट डजंट वर्क. सो यहाँ पे हम फिर से अपने अजम्पशंस में आ जाते हैं, है ना? बट अभी ना हम अपने अजम्पशंस के साथ साथ इस बार ना इंडिफरेंस कर्व की प्रायोरिटी प्रॉपर्टीज को भी चेकआउट करते जाएंगे. देखो, पहला अजम्पशन मैंने तुम्हें क्या बताया? मोनोटोनिक प्रेफरेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉन सेटाइटी, राइट? इसी अजम्पशन से ना हमें इनडिफरेंस कर्व की एक प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी मैं अभी नहीं बताऊंगी. जब प्रॉपर्टीज हम इंडिफरेंस कर्व की समझेंगे तभी बताती जाऊंगी, लेकिन मैं एडजेसेंटली इसको लिखती जा रही हूँ, ताकि जब मैं इसकी प्रॉपर्टी लिखूँ तब मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से. प्रॉपर्टी आई है एजम्पशन से ही, लेकिन पहले आप सिर्फ एजम्पशन समझते जाओ, ठीक है? ये एक एजम्पशन हो गया. तुम्हें पता है नॉन सेटाइटी क्या केस बताया? व्हेन कंज्यूमर इज नॉट एबल टू रीच टू हिज मैक्सिमम लेवल. मैक्सिमम लेवल तक पहुँच ही नहीं पाएगा, इस वजह से वो मोर और मोर कमोडिटीज को ग्रैब करता जाएगा, ठीक है? नॉन सेटाइटी से एक दूसरा कंसेप्ट आता है, डिससेटाइटी. ये आपके उसमें है नहीं, बट जर्नली इसको अपने नॉलेज के लिए समझ लो. डिससेटाइटी क्या होता है? नॉन सेटाइटी तो पढ़ लिया, डिससेटाइटी सेम मत समझ लेना कि दिस और नॉन एक है. डिससेटाइटी मींस दैट कंज्यूमर हैज नाउ रीच्ड टू इट्स मैक्सिमम लेवल एंड एनी फर्दर कंजम्पशन नाउ विल रिड्यूस हिज यूटिलिटी. सो दिस सेटाइटी मीन्स कि वो कंज्यूमर मैक्सिमम लेवल में पहुंच चुका है, एक और फर्दर कंजम्पशन फॉल कर जाएगा. नॉन सेटाइटी मीन्स कि कंज्यूमर अपने मैक्सिमम लेवल में पहुंचा ही नहीं है. ओके, दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज. ओके, सो एक हमने मोनोटोनिक प्रेफरेंस इसका समझ लिया अजम्पशन. सेकेंड इसका अजम्पशन है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ओके, अब ये क्या चीज हुई? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अच्छा, इसको आप पता है कैसे लिख सकते हो? डी एम आर एस, फुल फॉर्म. डी से डिमिनिशिंग, एम से मार्जिनल, आर से रेट, एस से सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? सो देखो, डिमिनिशिंग मीन्स गिर रहा है, मार्जिनल मैंने आपको अपनी हर क्लास में बताया मीन्स एनीथिंग दैट इज एडिशनल. ओके, रेट मीन्स किसी एक रेट पे क्या हो रहा है, रेट पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है? अब आप डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को ना जरा यहाँ पे देखो. देखो, एक ना ह्यूमन बीइंग की ना एक टेंडेंसी होती है कि जो भी चीज़ उसके पास कम होती है या लिमिटेड होती है ना, उसके लिए वो उतना ज़्यादा एक्साइटेड रहता है. उस चीज़ को परचेज करने के लिए वो उतना ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, और जैसे जैसे वो चीज़ उसके पास आती जाती है ना, वो थोड़ा थोड़ा उसका सेटिस्फेक्शन कम होता रहता है. जब तक नहीं मिली तब तक तो बहुत ज़्यादा है उसको डिज़ायर एक्साइटमेंट खरीदने की, लेकिन जैसे ही उसके पास आ गई उसकी सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम होती रहती है. अब देखो, इसी कॉम्बिनेशन में समझो, बर्गर के यूनिट थे 1, आइसक्रीम थी 10, ठीक है? सो बर्गर की क्वांटिटी सिर्फ अभी एक ही है. सो कंज्यूमर विल थिंक कि अगर मेरे को, या मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि इतनी आइसक्रीम्स खाने से इट वुड बी बेटर कि मैं बर्गर का कंजम्पशन एक और इंक्रीज कर देता हूँ और अपनी आइसक्रीम को थोड़ा कम कर देता हूँ, है ना? सो जब वो 1 से 2 पे जा रहा है, 1 से when he is moving to 2, अब देखो होगा क्या? यहाँ पे हम MRS शो कर लेते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पता है कैसे कैलकुलेट होता है? योर डेल्टा S अपॉन योर डेल्टा G.
What is this S? S is showing your sacrifice. What is G? G is showing your gain. That means change in your sacrifice to change in your gain. अब इससे हमें ये पता लग रहा है कि जितना भी चेंज हमारे सैक्रिफाइस में होगा ना, वो डायरेक्टली किसे अफेक्ट करेगा? हमारे गेन को. अब यहाँ देखो, जब हमने पहला कॉम्बिनेशन बनाया तब तो MRS में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि अभी तो हमारा फर्स्ट कंजम्पशन है, हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन है. अब जब हम सेकेंड कॉम्बिनेशन पे मूव करेंगे तो अगर वो 1 यूनिट से 2 पे जाना चाहेगा, थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहेगा, यहाँ उसे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होगी इस चीज़ को खरीदने के लिए. सो अब देखो चेंज, देखो चेंज सैक्रिफाइस का कितना हुआ है, 10 से कितना हो गया 7, चेंज कितने का आया 3 का आया, और यूनिट्स पे यहाँ पे कितने का चेंज आया 1 का आया, है ना. 1 से 2 हुई, यहाँ 10 से 7 हुई, दैट मीन्स चेंज आया कितना 3:1. अगर अब वो सेकेंड से थर्ड में जाता है सो अब 5 कितना हुआ 2, और चेंज कितना आया 1. अब अगर वो थर्ड से फोर्थ में जाता है सो चेंज कितना हो 5-4 1, और 1 ही करा 1. अब यहाँ पे ना जरा चेक करो, पहले जब वो एक यूनिट एक बर्गर और कंज्यूम करना चाह रहा था तो वो 3 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी था, है ना. 3 यूनिट्स ही वॉज रेडी टू गिव अवे इन ऑर्डर टू कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ बर्गर. अब लेकिन जब उसने दूसरा भी कंज्यूम कर लिया तो सैटिस्फैक्शन थोड़ा और डाउन चला गया, है ना, क्योंकि धीरे धीरे इसकी उसके पास क्वांटिटी ज़्यादा होती जा रही है, अब लिमिटेड नहीं रहा, कम नहीं रहा. अब जब वो सेकेंड से थर्ड बर्गर पे चाहेगा तब भी अपनी वो कुछ आइसक्रीम्स को सैक्रिफाइस करेगा, बट इतनी नहीं करेगा जितनी पहले कर रहा था. पहले 3 कर रहा था, अब कितनी कर रहा है सिर्फ 2. कितना कंज्यूम करने के लिए, 1 बर्गर को कंज्यूम करने के लिए. अगर वो थर्ड से फोर्थ में जाएगा, देखा क्वांटिटीज जैसे जैसे बढ़ रही है, जैसे जैसे बर्गर ज़्यादा होता जा रहा है, वो जो सैक्रिफाइस करना चाह रहा है ना अपनी आइसक्रीम को, वो कम होता जा रहा है. पहले वो 3 करना चाह रहा था, फिर वो 2 करना चाह रहा था, अब सिचुएशन ये आ गई कि वो सिर्फ 1 ही करना चाह रहा है 1 यूनिट ऑफ बर्गर के. सो कैन यू सी ये हो क्या रहा है, डिक्रीज हो रहा है. सो यही तो है आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. डिमिनिशिंग मीन्स कम होता जा रहा है, मार्जिनल मीन्स जो भी आप एक एक्स्ट्रा बर्गर लेते जा रहे हो उसका रेट जो भी सब्स्टिट्यूट हो रहा है वो सब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. सो दिस इज योर सेकंड अजम्पशन, और ये सेकंड अजम्पशन भी आपकी इंडिफरेंस कर्व की दूसरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है. वो प्रॉपर्टीज क्या है वो हम समझेंगे. ओके, इसका थर्ड अजम्पशन क्या है, दैट इट एक्सप्लेन्स दैट यूटिलिटी इज नॉट कार्डिनल, इट इज ऑर्डिनल. ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि हम अपनी प्रेफरेंसेस को सिर्फ रैंक आउट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम सिर्फ उसको स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस पे सेट कर सकते हैं, हम नंबर्स नहीं दे सकते. ये जो मैंने नंबरिंग करी है ना, ये यूटिलिटी थोड़ी है, ये तो कंजम्पशन है कि मैंने 1 बर्गर खाया, 2 बर्गर खाया, 3 बर्गर खाया, 10 आइसक्रीम्स खाई, ये तो हम डेली उसमें करते ही हैं. बट ऐसे थोड़ी है कि 1 बर्गर खा के मुझे कितनी सैटिस्फैक्शन मिली कि मैं वो भी ग्राफ या नंबर में शो कर रही हूँ, वो पॉसिबल नहीं, ठीक है. सो दिस इज ऑर्डिनल, ऑर्डिनल यूटिलिटी. और लास्ट एजम्पशन क्या है कि कंज्यूमर इज रैशनल, तभी तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है. सो ये तो इसके सारे हो गए एजम्पशंस, ठीक है. लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज में जाने से पहले ना एक चीज़ और समझ लो, जो मैंने आपको ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस बताया ना कि कंज्यूमर हमेशा ज़्यादा 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 ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो अपने मैक्सिमम लेवल पे नहीं रीच कर रहा है. इसको ज़रा एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज आप पे अगर 8 बर्गर हैं, ओके, और आप पे है 8 आइसक्रीम, एक कॉम्बिनेशन ये है, एक है आप पे 8 बर्गर एंड 9 आइसक्रीम, एक है आप पे 9 बर्गर एंड 10 आइसक्रीम्स. तो क्या लगता है कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जो कंज्यूमर लेना चाहेगा? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा ये वाला मैम, क्योंकि आपने ही तो कहा है कि अभी हम ऐसी स्टेज में जहाँ मैक्सिमम रीच आउट नहीं करें, तो हमेशा हम यही कोशिश करेंगे कि जो भी कॉम्बिनेशन हमको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, 9 बर्गर 10 आइसक्रीम्स, हम वही तो ग्रैब करना चाहेंगे. हमें छोटे छोटे चीज़ें क्यों ग्रैब करें? अब इससे ना आपको एक और चीज़ समझनी होगी, बहुत केयरफुल इकोनॉमिक्स को एनालाइज करो, कॉन्सेप्ट सारे रिलेटेड है, समझ लो एक लेयर्स है जो आपको ब्रेक करनी है. देखो अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया था कि अगर आप एक कमोडिटी को इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरी कमोडिटी को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, और यही मैंने आपको ग्राफ में शो करके दिखाया, राइट.
बट यहाँ आप सोचो कि मैम आप बोल रहे हो एट बर्गर एट आइसक्रीम्स फाइन, दूसरा कॉम्बिनेशन आप दे रहे हो एट बर्गर्स नाइन आइसक्रीम, यहाँ तो मैम गड़बड़ हो गई ना, आपने तो बर्गर को रिड्यूस ही नहीं करा और आइसक्रीम भी इंक्रीज कर दी। अभी तो आप कह रहे थे एक को इंक्रीज करो दूसरे को डिक्रीज करो, और यहाँ पे मैम आपने क्या करा, बर्गर भी इंक्रीज कर दिए और आइसक्रीम भी इंक्रीज कर दी, ऐसा हो कैसे पा रहा है? दिस इज बिकॉज अभी जो मैंने आपको ये इंडिफरेंस कर्व बताया ना, ये तो सिर्फ एक ही शेड्यूल ड्रॉ करा है, ऐसा थोड़ी होता है। हम कंज्यूमर्स, अब देखो जो मैंने आपको ये 500 रुपये दिए थे, ठीक है, वैसे ये कंसेप्ट मैं आपको और डिटेल में बजट लाइन में बताऊंगी, बट थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देती हूँ। जो मैंने 500 रुपीज़ आपको दिए थे, ज़रूरी थोड़ी एक बर्गर और 10 आइसक्रीम में आपके सारे 500 रुपीज़ एक्सपेंड हो गए। होता है ऐसा कि आपने एक बर्गर खरीदा और 10 आइसक्रीम्स खरीदी और आपके सारे 500, अगर वो ज़्यादा क्वालिटी के या ज़्यादा ब्रांड के हैं तो पॉसिबल है, बट अगर ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इतने ब्रांड का खाए, तो हो सकता है ना कि 500 रुपीज़ में इतना कंजम्पशन करने के पास आपके थोड़े पैसे बच गए, थोड़ी इनकम बच गई है। तो यही ये पॉसिबिलिटी बताता है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही चार कॉम्बिनेशंस हो, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, और हर इंडिफरेंस, ये इंडिफरेंस कर्व ने तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करा, लेकिन हम इसी इंडिफरेंस कर्व के साथ बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर सकते हैं जो हमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देंगे। और ये देखो, एक इंडिफरेंस कर्व ऐसे ड्रॉ होगा, एक इंडिफरेंस कर्व ऐसे होगा, एक ऐसे हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है, जस्ट से ये IC1 है, ये IC2 है, ये IC3 है, एंड दिस इज IC4। ओके, सो ये इंडिफरेंस कर्व सपोज कर लो यही वाला है। अब देखो, ये 1 था, ये 2 था, 3 एंड 4, सपोज दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 8, दिस इज 10। अब देखो, सपोज करो ये कॉम्बिनेशन ए है, ओके, यहाँ पे 8 आपने जो ये लिया था आइसक्रीम और यहाँ पे लिया था आपने बर्गर, सो 8 यूनिट्स ऑफ बर्गर में आपको मिल रहा था 1 यूनिट ऑफ, 8 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम में आपको मिल रहा था 1 यूनिट ऑफ बर्गर, राइट? लेकिन अगर आप इनडिफरेंस कर्व 2 को देखो केयरफुली, तो आप इस पॉइंट में कहीं चले जाओगे, है ना? अब यहाँ हो क्या रहा है, आपकी आइसक्रीम तो सेम ही मेंटेन है ना, 8 की 8 ही मेंटेन है, लेकिन इससे आपका, जरा इसमें देख लो, बर्गर में आप पहले जहां 1 कंज्यूम कर पा रहे थे, अब आप 2 से भी ज्यादा कंज्यूम कर पा रहे हो, और आपका आइसक्रीम का यूनिट सेम है, तो यहां पे ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि मैम बर्गर भी सेम है और आइसक्रीम भी इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल, बर्गर भी सेम, आइसक्रीम भी सेम है और बर्गर भी इंक्रीज हो रहा है। अगर आप इसी को और आगे ड्रॉ कर लो, सेम इस पे आपको ज्यादा कंजम्पशन मिल रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग, ये इंडिफरेंस कर्व शो कर रहे हैं कि एज द कर्व मूव्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन है, सो एज द कर्व मूव्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन, हायर विल बी द सैटिस्फैक्शन, हायर विल बी द सैटिस्फैक्शन। ये इंडिफरेंस कर्व में आपको जितने भी पॉइंट्स मिल रहे थे ना, ये आपको सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन दे रहे थे, लेकिन जैसे ही आप इंडिफरेंस कर्व 2 में गए, यहाँ पे भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, कॉम्बिनेशंस होंगे जो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे, लेकिन इन वाले कॉम्बिनेशन से ज़्यादा इस वाले कॉम्बिनेशन में आपको सेटिस्फैक्शन देंगे। और पता है इन सबको, और हमने प्रूफ भी करके दिखा दिया है ना, इन सबको बोलते क्या है, ऑल दिस इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप इज वॉट, इंडिफरेंस मैप इज ग्रुप और सेट्स ऑफ योर इंडिफरेंस कर्व और फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व विच शोज दैट हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर विल बी सैटिस्फैक्शन। सो वही है, ओके, हम अपने इंडिफरेंस मैप भी समझ लिया। अब इसके बाद लेट्स अंडरस्टैंड MRS थोड़ा और डीपली समझते हैं। जो हमारा ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ना, इसे मैंने क्या बताया था, चेंज ऑफ सैक्रिफाइस टू चेंज योर गेन। सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, आप समझे क्या, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इट इज द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस वन कमोडिटी इन ऑर्डर टू परचेज वन एडिशनल यूनिट ऑफ द अनदर। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो रेट है जिसमें कंज्यूमर अपनी विलिंगनेस से एक कमोडिटी को सैक्रिफाइस करना चाह रहा है इन ऑर्डर टू गेन द अनदर वन। सिंपल।
अब इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन अगर एक्स और वाई दे रखा है, सो इसका मतलब पता है क्या है, ये समझना जरूरी है, जो आपका पहला वेरिएबल लिखा होगा ना, दैट मीन्स यू आर रेडी टू सैक्रिफाइस दिस कमोडिटी, दैट मीन्स यू आर रेडी टू सैक्रिफाइस एक्स फॉर कमोडिटी वाई. अब एक्स और वाई हम अपने बर्गर में देख लेते हैं. मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ आइसक्रीम विद योर बर्गर, यहाँ पे हम यही तो कर रहे थे, आइसक्रीम को सैक्रिफाइस कर रहे थे फॉर बर्गर. सो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे रिप्रेजेंट करोगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन आई बी, दैट मीन्स यू आर रेडी टू सैक्रिफाइस आइसक्रीम फॉर वन एडिशनल यूनिट ऑफ बर्गर. एम आई क्लियर? ओके, सो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हो गया. अब हम जाते हैं अपने प्रॉपर्टीज की तरफ. ओके, नाउ विल क्विकली मूव टू प्रॉपर्टीज. देखो पहले मैं आपको इसी से क्लियर करती हूँ, मोनोटॉनिक प्रेफरेंस नॉन स्टैटिक, ये क्या बोलते थे कि कंज्यूमर मैक्सिमम लेवल पे रीच ही नहीं कर रहा है इसलिए वो ज़्यादा ज़्यादा ग्रैब करेगा. इसी से हमारी इंडिफरेंस कर्व की एक प्रॉपर्टी आती है, दैट इज हायर द आईसी हायर विल बी द सैटिस्फैक्शन. That means, जो मैंने indifference curve शो करे था आपको, जितना ज़्यादा ज़्यादा आप higher indifference curve पे जाते जाओगे उतना ज़्यादा ज़्यादा आपका satisfaction होता जाएगा, है ना. अगर suppose करो ये देख लो ना, higher ही तो है, पहले आप अगर इस IC curve में थे so आप ice cream का सिर्फ इतना unit ले पा रहे थे और बर्गर का इतना, लेकिन अगर आप दूसरे आईसी कर्व में मूव करते हो तो सेम आईसी के कंजम्पशन आईसी में कंजम्पशन में आपको उतना ही कुछ सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ रहा है, प्लस आप अपने बर्गर को भी ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, है ना. ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर विल बी द सैटिस्फैक्शन. जितना आप ओरिजिन से दूर जाते जाएंगे उतना ही आपका लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन इंक्रीज होता जाएगा. सेकेंड इज योर डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. इससे पता है आईसी कर्व की कौन सी प्रॉपर्टी आई है, दैट योर Indifference curve is convex to the origin. कि जो आपका आईसी कर्व है ना, जो आपका आईसी कर्व है वो कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन के बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. कैसे, ये बर्गर था ये आइसक्रीम थी, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, ये है वन, ये है टू, ये है थ्री, ये है फोर, ये है टू, दिस इज फोर, दिस इज सिक्स, दिस इज एट एंड दिस इज टेन. व्हाट आई हैव सेड, वन पे योर आइसक्रीम वाज व्हाट, टेन. ओके, सिर्फ डॉट्स बनाओ. टू पे जब जैसे ही आपने टू करा व्हाट वाज योर आइसक्रीम का कंजम्पशन, सेवन. ठीक है, सो टू पे इट वॉज सेवन. थ्री पे इट वॉज फाइव और फोर पे इट वॉज फोर, है ना. अब देखो चेंज, देखो चेंज, जब पहले करा था तो ये पॉइंट मिला, दूसरा करा था ये पॉइंट मिला, तीसरा करा ये पॉइंट मिला. अब देखो पहले चेंज था इतना, फिर चेंज हुआ इतना, थर्ड में चेंज हुआ इतना. आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो, इतने इतना इतना, क्या ये चेंज डिक्रीज होता जा रहा है, क्या ये चेंज डिक्रीज होता जा रहा है, बिल्कुल ये चेंज डिक्रीज होता जा रहा है. और अगर आप इसकी अब शेप को देखोगे ना तो ये आपको कॉन्वेक्स शेप ही देगा. कॉन्वेक्स मीन्स दैट द स्लोप इज इनवर्ड्स टू द ओरिजिन, ये अंदर की तरफ बेंड हो रखा है ना. इनवर्ड्स कॉनकेव क्या होता है, दैट इट इज बेंडिंग आउटवर्ड्स. ये तो कॉनकेव है, कॉनकेव शेप तो मिल ही नहीं रही है, हमें तो कॉन्वेक्स शेप मिल रही है, इनवर्ट की तरफ स्लोप हो रहा है. व्हाई, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, इसकी वजह से ही तो हो रहा है, ये डिमिनिश तो हो रहा है और कर्व हमें क्या मिल रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग. तो हमारे उसी अजम्पशन से देखो हमें दो प्रॉपर्टी मिल गई, पहले तो क्या मिली, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर विल बी द सैटिस्फैक्शन, सेकंड इज इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. थर्ड प्रॉपर्टी है कि कोई भी इंडिफरेंस कर्व ना आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता, है ना.
हमने देखो यहाँ पे ये इंडिफरेंस कर्व बनाया था, जब हमने इंडिफरेंस मैप शो किया था तो हमने कैसे ड्रॉ करा था, ऐसे ऐसे ड्रॉ करा था। हम क्या इसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? अगर ये IC1 है, ये IC2 है, ये IC3 है, सपोज दिस इज IC1, हम इसे ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते। अब हम ऐसे ड्रॉ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया ना तो हमारी पहली प्रॉपर्टी ही वायलेट हो जाएगी, दैट हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर विल बी द सैटिस्फैक्शन। वाई? देखो अगर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ये तो एक ऐसा पॉइंट मिल गया ना हमें जहाँ पे कोई हायर वगैरह है ही नहीं। सेम जो IC कर्व में यहाँ सेटिस्फैक्शन मिल रही है, वही IC कर्व हमें 2 वाले में भी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, क्योंकि दोनों मिल गए एक पॉइंट पे। सो ऐसे तो हो ही नहीं पाएगा। जो IC कर्व की यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशंस की सेटिस्फैक्शन है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दीज कॉम्बिनेशंस, है ना। और अगर ये आपस में ही इंटरसेक्ट कर जाएंगे, दैट मीन्स एक कॉमन पॉइंट हमें मिल जाएगा जहाँ पे दोनों ICs की सेटिस्फैक्शन सेम होगी, जो कि कभी हो ही नहीं सकती, बिकॉज दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी, है ना। इसीलिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, दैट IC कर्व नेवर इंटरसेक्ट्स विद ईच अदर। ओके, एंड लास्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, वेरी इजी, बहुत ही इजी, जो हमने डिमांड में भी पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमांड में भी पढ़ा है, कि IC कर्व स्लोप्स डाउन। IC कर्व कैसा दिख रहा है हमें? डाउनवर्ड स्लोपिंग दिख रहा है। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों दिख रहा है? मैंने आपको बताया कोई भी ग्राफ अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है, दैट मीन्स द रिलेशनशिप इज इनवर्स, और इनवर्स ही तो रिलेशन है। अगर हमें बर्गर का कंजम्पशन इंक्रीज करना है तो हमें आइसक्रीम का कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस। वही तो हो रहा है, इसीलिए IC कर्व क्या हो रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। सो ये थी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो आज हमने पढ़ा क्या क्या? आज हमने पढ़ा कि इंडिफरेंस कर्व थ्योरी को डेवलप ही क्यों करा गया, इंडिफरेंस कर्व है क्या, इंडिफरेंस शेड्यूल क्या है, इंडिफरेंस मैप क्या है, और आपका मोनोटोनिक और नॉन स्टैटिक क्या है, डिफरेंट अजम्पशंस क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या है। आई होप ये सब आपको क्लियर होगा। अब मैं आप सबके लिए ना एक क्वेश्चन है, आप इसे सोचो, and then I will explain you this with the help of new concept maybe tomorrow, ठीक है। आप एक चीज़ देखो, मैंने आपको ये different ICs शो करे, है ना, IC1, IC2 and IC3। now my question to you all is that which IC curve is the best? simple, ये बताओ इनमें से कौन सा IC curve ऐसा होगा जो consumer को के लिए सबसे best होगा और उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगा। विल इट बी IC3, विल इट बी IC2, विल इट बी IC1? वॉट इज दैट? डू थिंक अबाउट इट, एंड इट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।